सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिदान भोले सांचे दरबार के ओम श्री गणेशाय नमः ओम वक्रतुंड शलके दुर्गा शिव वाज देवी तम हत सुलभ सर्व कार्य विधायणी कलहि कार्य क्षेत्र सम उपायम रोहि यत्नतः देव्यो वाज शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेनाभ्यम्बा सुधीः प्रकाश्यते ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टम छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे मे योगः ओम ज्ञानी नाम विजयदासे देवी भगवती हिता बलाधा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियश्चले दुर्गे स्मिता हर्षि भेतिमशेष चंदो स्वस्ते स्मिता मति मते वशुभां ददाति दारिद्र दुख वय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दुचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते महेभ्यस्वाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अरोगान शेषान अपहंस दुष्टा दुष्टा दुकामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानां दरिपन्नरानां त्वामाशिताया शरतां रयांदे सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्माभिः विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्रे शतनामस्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आया दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिणाकधारिणे चित्रा चण्डघण्टा महातपा मणोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्दा भवनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षगण्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलापती भट्टाम्बरभरी धारणा कलमञ्जीररञ्जनी अमे अविक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिभोजिता
ब्राह्मी माहेश्वरे चंद्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुंडा जैव वाराहे लक्ष्मीश्च पुरुषाग्रे विमलोद्दर्शने ज्ञाना क्रिया नित्या जपद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्ते च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारी चैक कन्या च केशवे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनि नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवज्योति कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायणे तिरुसावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदम् प्रवधे नित्यम् दुर्गा नाम सदाशिवम् आसाध्यम् विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायाम् अयम् हस्तिनमेव च चतुर्भर्गम् तथा चान्दे लभेन्मुक्तिम् दशाश्वते कुमारीम् पूजयित्वा तोध्यत्वा देवीम् सुरेश्वरी पूजयल्पया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् अस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरबलैरपि राजानो दासतां जाते राज्यक्षेमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकं कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते स्तोत्रं सर्वे सम्पदा परम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होता है उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं
उनके अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण अज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच ओम श्रीकंठे कवच ब्रह्मा ऋषि अष्टम छंद चामुंडा देवता अंजना स्वतमातरा बीजं जयबंध देवता सत्वं श्री जगदम्बा मित्रे सप्तशते पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्भ्रियं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाघातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्य गृह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचं पुण्यं दशृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानसु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चिदशुभव्रणसङ्गणे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्यास्मितानोऽणां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वं स्वरन्ति देवेश्य रक्षसेता न संशयः त्रेतसंसातु चामुण्डा वाराही महिषासुना वैन्द्रीग्रथमारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी विषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्मासा हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता कृत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगा समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिधा दशन्दैरथमारूढा देव्या क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् त्रेटकं दम्बरं चैव परशुं दाशमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानेथं देवानां जहिताय मे नमस्ते सोमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने राहि मां देवस्पेशे शत्रूणां भयवर्धने प्राचां रक्षतो मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रदेचां वारुणे रक्ष वायभ्यां मृगवाहिणि उदेचां बाधकौमारे ऐशानां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शवाहणा जय मे जागतः पातु विजया पातु पृष्ठतः भजिता वामपार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिखामध्योदने रक्ष उमामूर्धने व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयो द्वारवासिनि कपालोकालिका रक्षेत्कर्णमूढे तुषाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषय च नासिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रखण्डा च महामाया च तालुके
कामाक्षे जवकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च पृष्ठवर्ष धनोधरे नीलग्रीवामहे कण्ठे नलकां नलकोवरे स्कन्द्या खड्गणे रक्ष बाहो मे वज्रधारणे हस्यदण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखशूलेश्वरी रक्ष कुक्षौ रक्ष्यङ्गुलेश्वरी परारक्ष महादेवे मणाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारणि नाभोजकामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ओदनाकामिकामेढं गुदमह्यवाहिणि अद्यां भगवते रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिणि गृभयो नारसिंहे च पादपृष्ठे दुतेजसि पादाङ्गुलेषु शिरक्ष पादाधस्तलवासिणि नखान्द्रष्ट्राकराले च केशं देवर्भगेषणि रघुगोपेषु कौमेरि तुजं वागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावते पदं कोशे कफे चूडामणेश्वरा ज्वालामुखेन ज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्दश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मना बुद्धिं रक्षेण मे धर्मधारणि प्राणापाणौ तथा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना हर्षे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगणि भत्वं रयस्तमश्चैव रक्षे नारायणेश्वर आयु रक्षत महाराहि धर्मं रक्षत वैष्णवी यशाकेतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मे भार्यां रक्षत भैरवी पन्थानां सुभदा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदासिता रक्षाहीनं दुयासानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेदो जदेच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यव्यं चिन्तयते कामं तन्त्रं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कलामभे तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवद्वर्षसाग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोधा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराजलाशेव जलया चोपदेशिकाः राजा कुलजा माला ढाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्षचरा घोरा ढाकिन्यश्च महाबलाः गृहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दक्षिणा तस्य कवचे हृदिसंसिते मानो न ते भवेराज्ञस्य वृद्धिकरं परम् हिंसा बद्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तो कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शशिलोपनकाननं तावत्तिष्ठति मे दिल्ल्यां सन्तते पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्घलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्घलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षि कणष्टं छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन
जपे गणयोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैणव विद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजवधे देवे चण्डमुण्डविनाशिणि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्यैव न शुम्भस्य धूम्रक्षस्य मर्धुनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्गे देवे सर्वसौभाग्यदायिणि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिन्तरोपचरिते सर्वशत्रो विनाशिणि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुभद्रा भक्ति पूर्वान्तं चण्डिके व्याधिनाशिणि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सदसंकेतम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विधेहि दुष्टार्णाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमाक्षयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिग्रहश्च चरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनां करो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डदे तदर्वणे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्र संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संसुदे देवे शश्वभक्त्या सुधाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुतानाथ संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्पविनाशिणि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवे भक्तनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी हरिणीं दुर्गसंसार सागरस्य गुरोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य शेकेलकमन्त्रस्य शिवार्षिः अणशं छन्दः श्रीमहासरस्वते देवता श्रीजगदम्बाभित्यर्थं सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सौमिक्षेमो वाप्नोति सततं जापितस्वरः सिद्ध्यन्तु चारणादेणे वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभतां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रोणौषधं तत्र न किञ्चित् विविद्यते
विना जापेण सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रेण विसिद्ध्यन्ते लोकशङ्का मीमांसा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकायासो तच्च गुप्तं जगारसः समातेन यपुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणाम् सौभिक्षेमो वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानथैषा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विधायैणां नित्यं जवते संस्फुटम् सा सिद्धा सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापरतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नाभमृत्योपशम्याते मृतो मोक्षमवाप्न्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्य देवतेः सौभाग्यादि अर्घ्यम् च दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् क्षणे सो जप्यमाणे स्वस्तोत्रे सम्पत्त्युच्चकैः भवत्येव समग्रापि प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परो मोक्षः स्तूयते सारणे श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र आये नन्दे नन्दे तमे दिनवेश विनोदिने नन्दयते गिरिवरविन्द शिरोदिने वादिनवेश विलासने देशवते भगवति हे शिरकण्ठ कदम्बिन भोरि कदम्बिन भोरि कृति जय जय हे महिषासुर शिव शिव शोम्बर शोम्बनः अवतर वेदभूतर जाचरति जय जय हे महिषासुरमर्दिनी धनुरण शङ्कर रक्षण शङ्कर 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 सर्वर्षिङ्गतापगे विरुदरङ्गरक्षिरङ्गणद्भवति
जय जय मात्र भवत्युरे कुरुतात्
अब अंतिम काले लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अब क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि हर निशमयमिति क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम् सोजां ते न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्दहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं वेति चोदरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः अपराधोऽस्मि शरणं तत स्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छति तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्नूनामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानाचामि मां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी भूयादिवैरगो प्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धे भवतु मे देवि सच्चा ज्योत वली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धर्मार्थ की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के इस आरती की परम पवित्र वेला में बैठ करके माँ जगजन ने जगत माता की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है ये अक्षय तृतीया कहलाती है। कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं, नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं जिनमें कि भगवान की आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अक्षय फल होता है।
जी तृतीय जो है अक्षय तृतीय कहलाती है। इस दिन किया हुआ पुण्य कर्म जो है वह कहते हैं उसका फल जो है अक्षय हो जाता है। आज का दिन जो बड़ा विशेष दिन है, आज परशुराम जयंती भी है। आज का दिन जो है कहते हैं कि अक्षय तृतीय के दिन ही जो है त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीय यह इस तिथि का जो है बड़ा ही विशेष महत्व है और यह दिन जो होता है कहते हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें किसी को मुहूर्त पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी शुभ कार्य जो है किए जाते हैं कहते उसमें परम सिद्धि जो है यही प्राप्त होती है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में जो है उल्लेख मिलता है कि विशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जो है जन्म लिया था। आज के दिन भगवान परशुराम का जो है यह अवतरण हुआ था। दक्षिण भारत में जो है परशुराम जयंती को जो है बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। जिस दिन जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाते हैं, भगवान परशुराम जो है स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इनकी गणना जो है दी 10 अवतारों में आती है। जो 10 अवतार दिए गए हैं उन्हीं में जो है इनका नाम भी आता है। 10 अवतारों में इनकी गणना आती है। वैशाख मास के जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है पुण्यवसु नक्षत्र में रात्रि के पहले पहर प्रथम पहर में जो है उच्च के 6 ग्रहों से युक्त इनका जब जन्म हुआ था 6 ग्रह जो थे उस समय उच्च के थे और राहु जो है जो मिथुन राशि पर जो है स्थित था और उस समय माता रेणुका के गर्भ से जो है भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का जो है जो जन्म माना जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के जो पुत्र थे। भारतीय काल गणना के अनुसार जो है 4 स्वयं मुहूर्त जो बतलाए गए 4 मुहूर्त जो है जिस स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं जिसमें कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं होती है और जिसमें कोई भी कार्य जो है करते हैं उसमें कहते हैं परम सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब जो पिछले जन्म नवरात्र हुए हैं इन चैत्र नवरात्र की जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त बतलाया गया है। इस दिन कहते हैं सृष्टि का ब्रह्मा ने जो है प्रारंभ किया था चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को और वही वह दिन था चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है जिस दिन जब भगवान ने जो मत्स्य अवतार जो है वह धारण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो है जब बतलाया गया है। फिर अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया जो है जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो है। फिर दशहरा जो आश्विन शुक्ल पक्ष के जो दशमी होती है शारदीय नवरात्र जब आते हैं उसमें दशहरा जो है दशमी का दिन जो होता है कहते हैं वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। उसमें कोई भी कार्य जो आप करते हैं उसमें परम सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर चौथा मुहूर्त जो है दीपावली। दीपावली जो है जी जिस दिन जो है कहते हैं कि मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था तो जी लक्ष्मी का जन्मदिन भी है और जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त बतलाया गया है जिसमें उस दिन जो है आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें परम सिद्धि जो प्राप्त होती है। जिस वर्ष के 4 मुहूर्त जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो बतलाया गया शास्त्रों में। अक्षय तृतीया परशुराम जी का जो जन्मदिन जो है जे होने के कारण से परशुराम तिथि भी जे कही जाती है। परशुराम जी की गिनती जो है जे चिरंजीवियों में भी आती है। चिरंजीवी महत्व में जे की जाती है जे तिथि जो है चिरंजीवी तिथि भी कहलाती है। चारों युगों में जो है जे त्रेता युग का जो है प्रारंभ जो है इस तिथि से हुआ था और जिससे इस तिथि को जो है युग तिथि के आरंभ की तिथि जो है यह युगादि तिथि भी इसे कहते हैं। इस तिथि को जो है
चारों धामों में चार धाम जो बतलाए गए शास्त्र में, ये चार धामों के जो लेख मिलते हैं उन चार धामों में से बद्री नारायण जो है धाम जो है उसके पट भी आज के दिन ही खुलते हैं, उनके द्वार जो है आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही ये खुलते जाते हैं और भक्तों के द्वारा जो है इस दिन जो है किए हुए पुण्य कर्म जो है जप पाठ स्नान दान जब भगवान की आराधना जो है इसका कहते हैं इस पुण्य का जो है अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी जो नाश नहीं होता है। अक्षय तृतीया को जो है वृंदावन में भी जो है बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार जो है ये आज के दिन होते हैं। इसलिए ये बड़ा एक विशेष बड़ी एक महत्वपूर्ण तिथि है और आज के दिन जो है भगवान परशुराम के जन्म की कथा का श्रवण भी जो है करना चाहिए। इस प्रकार से ये परशुराम की कथा जिसका जन्म कैसे हुआ था, परशुराम और विश्वामित्र, कहते हैं विश्वामित्र जो है इनके पिता का नाम जो था गादी था। गादी जो राजा जो है बड़े धर्मशील राजा हुए हैं, इनके एक पुत्री थी जिसका नाम जो था सत्यवती था। बस सत्यवती जो है जब बड़ी हुई विवाह योग्य हुई तो कहते इनके दरबार में महर्षि ऋचि का है, ऋचि ऋषि जो है वहां पर आए और आकर के जो है उन्होंने राजा से याचना की कि आप अपनी पुत्री का विवाह जो है मेरे साथ कीजिए। और राजा गादी जो थे विचार करने लगे कि ये ऋषि उस वृद्धावस्था में जो है इनके मन में जो ऐसी बात विवाह की बात कैसे आ गई और फिर मेरी एक ही बेटी जो है इसके विवाह में इस वृद्ध ऋषि के साथ करूं तो राजा को बड़ा दुख हुआ, नहीं करता है इनकार करता है तो ऋषि शाप दे देते हैं और करता है तो दुख हो रहा है मेरी जो बेटी जो है और जो वृद्ध ऋषि इसके साथ विवाह करूं। तब जिन्होंने एक युक्ति लगाई और कहा महाराज हमारे जो है एक परंपरा है कि बेटी के पति से जो है कुछ शुल्क लिया जाता है, इसलिए हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप जो 1000 घोड़े एक जैसे श्वेत वर्ण के जिनके कान जो है काले हों, कान काले और बाकी पूरा श्वेत रंग 1000 घोड़े एक ही जैसे यदि आप ला करके दे दें तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऋषि ऋषि जो है वह जान गए राजा के हृदय की बात को, उन्होंने किस लिए ये शर्त रखी है। कहते उस समय अपने योग बल से ऋषि ऋषि जो थे वर्ण लोक में जा पहुंचे और वहां से वर्ण से जो है उनने 1000 घोड़े एक जैसे श्वेत वर्ण के जिनके कान काले थे उसी क्षण जो है वहां पर उपस्थित कर दिए। राजन जी लो अब तो विवाह करना ही पड़ा। तो सत्यवती का राजा गादी की पुत्री सत्यवती का विवाह जो है ऋषि ऋषि के साथ हुआ। जो ऋषि बड़े पहुंचे और ऋषि थे तपस्वी शक्ति के उपासक सत्यवती का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जो है एक दिन की माता ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा बेटी तेरे पति जो है ये बड़े योग्य ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, ये जो भी चाहें असंभव को संभव कर देते हैं, ऐसे तपस्वी ऋषि जो हैं। बेटी मेरी आपसे जो प्रार्थना है कि आप प्रति से कहें कि तेरे एक भाई हो जाए, क्योंकि गादी के घर में संतान नहीं पुत्र नहीं था, बेटी थी पुत्र नहीं था। तो सत्यवती की मां ने जो प्रार्थना की अपने पति से आप कहें कि तेरे एक भाई हो जाए, तब जो सत्यवती के मन में भी हुआ
कि मेरे भी पुत्र हो, मेरी भी संतान हो। तो उन्हें अपने पति से प्रार्थना की, महाराज ऐसी माँ की इच्छा है कि मेरे एक भाई हो जाए, अर्थात उनके पुत्र हो, और मेरी भी जो इच्छा है, मेरे मन की इच्छा कि मेरे घर में भी संतान हो, पुत्र हो। तब ऋषि ने अपने तपोबल से कहते दो प्रसाद का निर्माण किया, दो प्रसाद बनाए, एक में क्षत्रिय शक्ति का समावेश किया और दूसरी में ब्रह्म शक्ति का। जिसमें ब्रह्म शक्ति का समावेश किया वह प्रसाद जो था अपनी पत्नी के लिए था, सत्यवती के लिए, और जिसमें क्षत्रिय शक्ति का समावेश किया वह प्रसाद जो था वह उसकी मां के लिए था, राजा गादी की पत्नी के लिए। अब दोनों प्रसाद जो हैं उन्होंने अपनी पत्नी को दिए, कहा कि ये प्रसाद आपकी मां के लिए है और ये आपके लिए है, इसको ग्रहण कर लेना। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। अब जो है बेटी ने मां को बतलाया, ये दो प्रसाद ने बतलाए हैं, ये एक आपके लिए है और ये मेरे लिए है। मां विचार करने लगी कि ऋषि ने जो अपनी पत्नी के लिए अर्थात सत्यवती के लिए जो प्रसाद बनाया है वह कोई विशेष प्रसाद होगा, इसलिए उसने अपना प्रसाद ना खा करके बेटी का प्रसाद ग्रहण कर लिया और बेटी ने मां वाला जो परिवर्तन हुआ था प्रसाद का। अब जो है ऋषि को जब पता चला किस प्रकार से प्रसाद जो मैंने जिसका निर्माण किया था, एक में क्षत्रिय शक्ति और दूसरे ब्रह्म शक्ति समावेश किया था, वह परिवर्तन इन्होंने कर करके उसको तो उसकी मां ने ले लिया। तब उसने कहा देखो आपकी मां की जो पुत्र होना चाहिए था क्षत्रिय शक्ति वाला, और वह क्षत्रिय शक्ति वाला ना होकर के वह ब्रह्म शक्ति वाला होगा, वह विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में होते उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में, और क्षत्रिय कुल में रहते हुए उनके विचार उनकी सोच ये सारी ब्राह्मण वाली थी, और तब करके कि उन्होंने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया विश्वामित्र ने, वह तपस्वी ऋषि हुए। तो कारण ये था कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के भी उनका स्वभाव जो है ब्रह्म शक्ति वाला था, और उधर जो है जो ब्राह्मण के घर में जो है पुत्र जो हुआ ऋषि के घर में जो है, तो उसने कहा तेरे घर में जो पुत्र होना चाहिए था ब्रह्म शक्ति वाला होना चाहिए था। अब जो है पुत्र तो ब्रह्म शक्ति वाला होगा, परंतु पुत्र जो है वह क्षत्रिय शक्ति वाला होगा। तो उनके जो पुत्र हुआ वह हुए जमदग्नि, ऋषि ऋषि का पुत्र जो था वह जमदग्नि हुए, और जमदग्नि का जो पुत्र हुआ था वह हुए परशुराम। क्षत्रिय शक्ति वाले ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, परंतु स्वभाव कैसा था क्षत्रिय वाला। तो इनके जन्म की जो कथा है परशुराम की, तो इस प्रकार से ये भगवान के अंशावतार थे, भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इस परशुराम जयंती के अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और इस अवसर पर जो है आप सब भक्तों को माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी को जो है वर्धापन आशीर्वाद। ये आज का दिन जो है भगवती के दरबार में बैठ करके आपको जो पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज का दिन जो बड़ा पवित्र दिन है, और ऐसी पवित्र तिथि में जो कि भगवान की साधना जप पाठ स्नान दान जो है इसका अक्षय फल होते हैं, फिर आप इतने सौभाग्यशाली हैं, माँ की ऐसी अपर कृपा हुई। एक तो आज मंगलवार है जो माँ का विशेष दिन है, दूसरा अक्षय तृतीया है, तीसरा माँ के दरबार में आकर के इस तपस्थली पर जो है आरती की पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में और ऐसी पवित्र तिथि में आपको जो पुण्य अर्जित करने का, माँ की आराधना जगजन्य जगत माता जो समझे जग सारे संसार के रचेते हैं, उस माँ की आराधना करने का, उसकी अर्चना करने का, पूजा करने का, उस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का, उस माँ भगवती आदि शक्ति के दर्शन करने का आज भक्तों को आप जो है आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसका जो है अक्षय फल है। इसी तरह से जगजन्य जगत माता की वास्तव में, क्योंकि इसकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है, जी माँ की आप पर विशेष कृपा है, और ऐसे ही इस जगजन्य की आप पर
कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी अपने दरबार में आपको बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरत उन्नशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णो हर स्थान में हर क्षण हर पल जो है अंग संग आपकी रक्षा करे, आपकी दीर्घायु करे, आपके कारोबार वृद्धि करे, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करे, आपकी जो ही मनोवल सिद्ध कामना है माँ के आशीर्वाद से वह सब परिपूर्ण हो। बोलो सच्चे द्रवा की जय। आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी, जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जो है जो भक्त जन साधना करते माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस दिवपिंडी के रूप में जब जन्य के दर्शन करते हैं उन भक्तों पर तीनों देवियों की विशेष कृपा बनी रहती है। फिर आज का दिन जो है इस मंत्र का आप जितना जप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करिए। आप माँ के दरबार में आए हैं, कहीं भी आपको कोई समय मिलता है थोड़ा भी, तो कहते हैं तीर्थ पर बैठ करके इस शक्ति प्रवाह करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, चाहे थोड़े समय ही जो है आप एक माला या दो माला भी आप जप करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसी पवित्र तिथि में जो कि जप जो होता है उसका जो है सदगुणा फल होता है 100 गुना। एक माला करेंगे तो 100 माला का फल जो उसका मिलता है, इसलिए कहीं भी आपको 10 मिनट जो है दरबार में आपको मिलते हैं तो इस मंत्र का आप जप करें और जब यात्रा करते वापस भी लौटे हैं तो इस मंत्र का जप करते आप जाएं, फिर देखिए इस मंत्र का कैसे फल होता है। क्योंकि इन तिथियों में जिस विशेष तिथि होती है जैसे अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, अक्षय तृतीय है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष जब हमने जो सिद्ध मुहूर्त बतलाया है, प्रतिपदा तिथि है, ऐसे दीपावली है, तो जी कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं विशेष तिथि होती हैं जिसमें की हुई भगवान की आराधना अर्चना जप पाठ जो है इसका अक्षय फल होते हैं और इनमें विशेष जो है अवश्य जो है उस दिन जो जब जो विशेष दिन होते हैं उसमें अवश्य समय निकाल करके भगवान की साधना करें, जप पाठ करें, पुण्य करें और क्योंकि उन पुण्य का ही अक्षय फल होता है, वह पुण्य जो है कभी उनका नाश नहीं होता है। तो आप सब इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। 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 ओम ऐं ह्रीं तभी भजन की वेला निवेदन कर माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री मनिंदर जी। जयकारा श्री का बोल सच्चे दरबार। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार। ओ शेरावाली के दरबार में मेहरावाली दरबार में। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार। ओ आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार। अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, मैं भगवते भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भरता रहे। धन में सुख मिलता हो तो तुम धनवानों से पूछ लो। धन में सुख मिलता हो तो तुम धनवानों से पूछ लो। धन में सुख मिलता हो तो तुम धनवानों से पूछ लो।
सुख मिलता है जो तुम धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है इस धन के कारोबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में। कोठी बंगला मोटर गाड़ी कमी न जिनके पास में, कोठी बंगला मोटर गाड़ी कमी न जिनके पास में, हाँ कोठी बंगला मोटर गाड़ी कमी न जिनके पास में, कोठी बंगला मोटर गाड़ी कमी न जिनके पास में। वो कहते हैं रे भैया हम दुखी इस संसार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार। भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है, भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है, ओ भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है, भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार। वो देखे रोज की चेहरी सब आपस के तकरार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार, हाँ आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार। संपत्ति अनधन भाटे मैया झंडे वाली, सुख संपत्ति अनधन भाटे मैया झंडे वाली, वो मैया के दरबार में आकर भरती झोली खाली, मैया के दरबार में आकर भरती झोली खाली, वो किसी चीज की कमी नहीं है मैया के दरबार में, खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार, ओ शेरा वाली के दरबार में, मेहरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने चरण में मुझको भी अपने
भटक आऊं, सुबह से शाम तक जग के जमीनों में भटक आऊं, सुबह से शाम तक जग के जमीनों में भटक आऊं, बड़ा बेचैन रहता सबानो की तो क्या होगा, बड़ा बेचैन रहता संभालो की तो क्या होगा, अपने चरणों में बसा लो की तो क्या होगा, अपने चरणों में बसा लो की तो क्या होगा, चरण में मुझे वो भी अपनी बना लो की तो क्या होगा, चरण में मुझको भी अपनी बुला लो की तो क्या होगा, अपने चरणों में बसा लो की तो क्या होगा, मुझको भी अपनी बुला लो की तो क्या होगा, चरण में मुझको भी अपनी बुला लो की तो क्या होगा, श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, मैं बछड़ा तेरा दरदा निमाए मैया निंडिगा दर तेरे, ओ कुल दुनिया दी मालिक तू यो मैया पाग जगा दे मेरे, ओ मैया पाग जगा दे मेरे, असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर ते आवांगे, कोई
लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी ओ असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर ते आवांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र ते शुक्र मनावांगे लोड़ पई ते मंगांगे ते शुक्र मनावांगे दे काम मैया आप कर दी बच्चियां दे काम मैया आप कर दी जे बच्चे भूल जान मैया माफ कर दी जे बच्चे भूल जान मैया माफ कर दी तेरे नाम सारे मैया जावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी माया सी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर ते आवांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे लोड पई ते मंगांगे शुक्र मनावांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे लोड़ पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे हर साल मैया तेरे दर आउणा है 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 इक्को ही तमन्ना मैं दीदार पाउणा 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 है तेरी चौखट उत्ते आके तेरी चौखट उत्ते आके मैं तेरी चौखट उत्ते आके नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर ते आवांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे नहीं तो शुक्र मनावांगे मां मोड़ पई ते मंगांगे
ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਮਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਮਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈਓ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈਓ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਜੇ ਮਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ 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 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਭਗਤਾਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਾਤੀ 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 ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 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 ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 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 ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ
शुक्र मनावांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे नेता शुक्र मनावांगे दस्तांगे शुक्र मनावांगे अभी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर पे आवांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे नेता शुक्र मनावांगे शुक्र मनावांगे शुक्र मनावांगे होने का शुक्र मनावांगे होने का शुक्र मनावांगे होने का शुक्र मनावांगे होने का शुक्र मनावांगे जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हाँ मेरा वाली दे दरबार पीला शेर गजरा 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 मेरी माई दे दरबार पीला शेर गजरा मेरी माई दे दरबार पीला शेर गजरा मेरी माई दे दरबार पीला शेर गजरा दर ते खलोता बड़ा प्यारा लगदा 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 मेरा वाली दे दरबारे पीला शेर गजदा मेरा वाली दे दरबारे पीला शेर गजदा मेरी माई दे दरबारे बक्का शेर गजदा मेरी माई दे दरबारे बक्का शेर गजदा मत्थे उत्ते टिका गल विच गानिए मत्थे उत्ते टिका गल विच गानिए मत्थे उत्ते टिका गल विच गानिए सुनो पीले शेर दी की निशानी है मत्थे उत्ते टिका गल विच गानिए मत्थे उत्ते टिका गल विच गानिए मत्थे उत्ते टिका गल विच गानिए ओ नचदा ए ऐसा जत ढोल वजदा नचदा ए ऐसा जत ढोल वजदा ओ नचदा ए ऐसा जत ढोल गाए तजद ढोल बजदा मेरा वाली दे दरबार पीला शेर गजदा मेरा वाली दे दरबार पीला शेर गजदा मेरी माई दे दरबार पीला शेर गजदा मेरी माई दे दरबार पीला शेर गजदा मेरा वाली दे दरबार बक्का शेर गजदा मेरा वाली दे दरबार बक्का शेर गजदा मेरी माई दे दरबार पीला शेर गजदा मेरी माई दे दरबार पीला शेर मेरे मैया दा है सच्चा सेवादार पैरदार बन के खलोता दरबार पैरदार बन के खलोता दरबार पैरदार बन के खलोता दरबार शेर मेरे मैया दा है सच्चा सेवादार पैरदार बन के खलोता दरबार पैरदार बन के खलोता दरबार पैरदार बन के खलोता दरबार ओ जमा दादी रवे रचदा मेरी माई दे दरबारे पीला शेर गजदा मेरी माई दे दरबारे पीला शेर गजदा शेरा वाली दे दरबारे बक्का शेर गजदा मेरा वाली दे दरबारे बक्का शेर गजदा मेरा वाली दे दरबारे पीला शेर गजदा मेरा वाली दे दरबारे पीला शेर गजदा सुनो इस शेर दी है चाल निराली ए भी मादे दर दा है बणिया सवाली ए भी मादे दर दा है बणिया सवाली ठंडा ठंडा जल बग
पंचांग विक्रमादित्य संवत 2076 उत्तरोत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 24 प्रवेश ही शुक्ल पक्ष आज तृतीय तिथि ही मंगलवार तदनुसार 7 मई सन 2019 के दिन प्रातः काल आर्थिक समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीम अनुकंपा से मां भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेष आज अक्षय तृतीय के दिन आज परशुराम जयंती ही अक्षय तृतीय के दिन जो है मां भगवती के चरण में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां भगवती की इसी तरह बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भवन भव श्रीमान भव प्रज्ञा भवन भव भूर भूत करने धान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ दलन व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यद सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमावदा शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं
ਬਹੁ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਸਸ ਮਸਰ ਦੀਰਘ ਮਾਜ ਅਸਤ ਦੀਰਘ ਮਾਜ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋ ਕੀ ਦੀਰਘ ਆਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿਧ ਕਰੇ ਸਭ ਓਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰਵਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸੰਭਲ ਕਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋਈ ਓਮ ਜੈ ਮੈਯਾ ਵਰ ਮੋਤਰਾ ਦਾਰੀ ਮਨਵਾ
ओम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे तेरी सदा जननार्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा सर्वको सर्वज्ञ देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण में क्षमा करो अपराध शरण देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैटव मारे शुंभ असुर संहारे शुंभ शुंभ असुर संहारे भगत कल्याण शरण माया भगत कल्याण शरण मा आया बालकपन खेलों में गवाया बालकपन खेलों में गवाया पूरापन कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ शरण माया हर यौवन का साथ नहीं है धन कुछ पास नहीं विद्या धन कुछ पास नहीं है मुझको पाते मन चंचल तेरा ध्यान करता मां बड़ा चपल नादान शरण मा आया बंधु माना मह तेरा करो सफल निज नाम शरण मा आया क्षमा करो अपराध शरण मा आया दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मां विभूत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी, शांति पूर्वक
अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। समय तक बोलना देहि सौभाग्य आरोग्य देहि सौभाग्य आरोग्य देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो देहि यशो देहि दशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कार्य करो हमेश जय माँ, आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया के पैर जो सट पड़ी जो चरना दान जय Thank you.
खड़गं च कृतदेशु चातुर्वर्गान् शूलम्बशुण्डिञ्जनाङ्गम् सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाश्मद्विमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां जाम्बस्तो सदुदेवलोकवरजो अन्तं मधुं वेणवम् ङ्गलेषु गुलिशम् परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमशुम्बगर्मजलजम् हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्जनी महिमः लक्ष्मे करो यस्तिकां घण्टा शूलालादिशङ्कमुचले चक्रं धनुषायकम् अर्चादिरलिङ्गलाङ्गविलचीताङ्गकल्याप्रवा गौरी देवसमस्तमाङ्गिलगतामाधारभूतामः पूर्वामस्तसरस्वती मन्वदे शम्भादिदैत्याचरे तुमेव माता च पिता तुमेव वन्दोसमा तुमेव विद्याधनम् शान्ताकारं भजविजयनं परमनाथं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभद्रं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णुमहोदयं सर्वलोकैकनाथं रचितं केशवं रामनारायणं कृष्णामङ्गलं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकामङ्गलम् नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुखे विवारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी पञ्चफूला रानी माता तेरी चतुर्दाबला कर्ण वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी कृपा विच निवास करने वाली माता तेरी लंकरा बीठाग तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, जकारा शरवाली दा वो Thank you.
Thank you.